So guys, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं Vivo के T3X डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर जेस्चर नेविगेशन सेटिंग का एक्सेस कैसे करेंगे। That means guys, जो भी आपने फोन को मैनेज करते हो थ्री बटन नेविगेशन से, आप उसको एज अ जेस्चर यूज कर सकते हो। एक छोटा सा डेमो हम आपको दिखाते हैं और आपको बता दें किस तरीके से अपने फोन के अंदर आप जेस्चर नेविगेशन सेटिंग को सेट करोगे और उसके यूज करोगे। गाइस, फोन के अंदर जेस्चर नेविगेशन सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए अभी करंट टाइम में हमने ऑलरेडी इसको अप्लाई करा हुआ है। आप देख सकते हो कोई भी बटन नहीं मिलेगी नेविगेशन का और मैं नेविगेशन सेटिंग्स ही एक्सेस करूंगा जेस्चर नेविगेशन को यूज करने के लिए। सेटिंग को सिंपल ओपन करेंगे, आप चाहे अपने फोन में सर्च करेंगे सिस्टम नेविगेशन सेटिंग्स इजिली आ जाएगी, देन उसको फॉलो अप करके आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपने करना क्या, स्क्रॉल करके नीचे आना, एक सेटिंग्स मिलेगी सिस्टम का, जस्ट आप प्रेस करेंगे। टॉप नंबर की सेटिंग्स मिल जाती है सिस्टम नेविगेशन, इसको प्रेस करेंगे। यहाँ पर अगर आप थ्री बटन नेविगेशन एक्सेस कर रहे हैं तो पहला ऑप्शन सिलेक्टेड होगा और आपके फोन के अंदर थ्री बटन्स मिल जाती हैं जिससे आप प्रॉपर फोन को आप मैनेज आउट करते हैं। अगर आपने जेस्चर करना है इसको प्रेस करेंगे, बटन्स आपके फोन से गायब हो जाएगी, देन इसको आप कंप्लीटली जेस्चर की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। इसको साइड वाला बैक बटन भी बोल सकते हो, बहुत लोग कॉमेंट्स करते हैं साइड वाला बैक बटन कैसे लगाना, तो ये जेस्चर नेविगेशन से ही वो भी लग जाता है। इसमें अगर फर्स्ट बारी आते हैं इसको इनेबल करके यूज करने के लिए तो हाइड बटन बार का एक सेटिंग्स होगा, एक अंडरलाइन मिल जाएगी इस तरीके से नीचे देख सकते हो। अगर आप चाहे तो इसको ऑन कर देंगे तो ये भी यहाँ से हाइड हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट बारी विजिट कर रहे हैं और फर्स्ट बारी ही इसको यूज कर रहे हैं तो इसमें जेस्चर नेविगेशन ट्यूटोरियल होगा, इसको फॉलो कर लेना ताकि आपको इजी हो फोन को यूज करना। स्वाइप अप करेंगे होम पेज पर आ जाएंगे कुछ इस तरह से। रिसेंट एप्लीकेशन को देखनी है जो बैकग्राउंड में चला के छोड़ देते हो, इस तरह से थोड़ा सा पुश कर देना स्वाइप अप करके तो आ जाएंगे आपने रिसेंट एप्लीकेशन पे। अगर गाइस आपने बैक जाना है तो इन्वर्ट करना है लेफ्ट या राइट साइड में, जैसे कि मेरे केस में मैंने लेफ्ट साइड इन्वर्ट किया और ये आ चुका है बैक। तो इस तरीके से आप प्रॉपर अपने फोन को एज जेस्चर ही मैनेज आउट कर सकते हैं। आदि गाइस समझे होंगे फोन के अंदर जेस्चर नेविगेशन सेटिंग का एक्सेस कैसे करना था Vivo के T3X डिवाइस के अंदर।